मिछ कहिले धरा पड़ी। जो भरतपुर थाना रे जो घटना घटिला से दिन कौन घटी विशेष भाव ताकुने विभिन्न दिगर जिते बड़े तदंत करटनाटीर सूत्रपात हो आलोचना कर विशेष भाव थाना भितर जो रहस्यावृत घटना रही पक्षर ता प्रच्छदर कारण कौन केमिति ए घटनार सूत्रपात होता जे थाना अधिकारी थिले भूमिका से दिन कौन थी विरोध में बड़ अभियोग आउ निलंबन कर भरतपुर थानार जे निलंबित आईआईसी दीनकृष्ण मिश्र सीए कि भाव में बयान रखुंट कौन तथ्य देखी जदि से मिछ कहते परीक्षा करोग रही से परीक्षाटी आम विभिन्न समय देखीचे जे अभियुक्त मानक परीक्षा कराए पॉलीग्राफ टेस्ट कथा कह जाए पॉलीग्राफ टेस्ट जरिया जना पड़ से सत कहते ना मिछ कहते से टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट को अनुमति मिलबार आवश्यकता रही कोर्ट अनुमति देखते क्राइम ब्रांच को एसडीजेएम कोर्ट अनुमति देखते टेस्ट में दीनकृष्ण को गुजरात गांधीनगर क्राइम ब्रांच नेब दीनकृष्ण सहमति प्रकाश कर सूचना मिली। आज भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट में दीनकृष्ण मिश्र को हाजर कर क्राइम ब्रांच पॉलीग्राफ टेस्ट आवेदन कर तदंतर सहयोग करने पॉलीग्राफ टेस्ट लगी राजी होती दीनकृष्ण मिश्र गुजरात फोरेन्सिक लैबोरेटरी पॉलीग्राफ नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट हेबो ए प्रकार सूचना रही। अधिक आलोचना करवा आम सहित कलिंग टीवी प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार जोड़ी होती और फोरेन्सिक एक्सपर्ट आकाश मिश्र जोड़ी होती। आकाश को स्वागत करवा आलोचना को प्रथम हेमंत आपंठ जानवाक चाहिए जो प्रक्रिया रही था से प्रक्रिया आधार अर्थात कोर्ट अनुमति आवश्यकता रही जहाँ पॉलीग्राफ नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग टेस्ट हम तांकर सहमति निश्चय आवश्यकता रही। दीनकृष्ण मिश्र जे पूर्वतन आईआईसी भरतपुर थानार तांकु जेतेबेले ए टेस्टर सामना करबाकु पड़िबो सेथिपाई अनुमति आवश्यकता रही कोर्ट अनुमति देइछन्ति कोन कहिछन्ति कोर्ट एवं एथिरे दीनकृष्णकर सहमति केमती रही। देखंतु मुन्नाल जो भली भाव रे ई अभावनीय संवेदनशील घटना रही जो थे कि निजे दीनकृष्ण मिश्र जी की पूर्वतन थाना अधिकारी रही भरतपुर सी निलंबित होती विरुद्ध में क्राइम ब्रांच मामला रुजू करछि तबे से जो बयान देछंती पीड़िता और तांकर जो सेना अधिकारी बंधु रही बयान ओ जो तांकर जो सहयोगी जो बयान देछंती ए सब बयान मेल खाऊ ना अर्थात केउठी ना केउठी जो बयान रे तारतम्य रही क्राइम ब्रांच चाहूँगी कि जो दीनकृष्ण मिश्र तांकर चारि अधिकारी और विशेषकर पीड़िता और तांकर बंधु सेना अधिकारी बंधु ए समस्त पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट आवश्यकता रही प्रथम दीनकृष्ण मिश्र टेस्ट पर क्राइम ब्रांच आवेदन करते एसडीजेएम कोर्ट रे आज निजे दीनकृष्ण मिश्र एने सहमति प्रकाश करते अर्थात तीनोटी टेस्ट करिया से राजी होती तो कोर्ट कर अनुमति को अपेक्षा कर कोर्ट को अनुमति आसवा पर टेस्ट गुड़िक पर्यायक्रमे जानते टेस्ट गुड़िक कोर्ट रे ग्रहणीय नुहे किंतु पॉलीग्राफ टेस्ट रे गोटे जो भाव जो ट्रुथ सीरम दिया जाए सोडियम पेंटाथोनल दिया जाए से सीरप देवापे विभिन्न प्रश्न पचरा जाए से मिछ कहते केते सत कहते जना पड़े से भाई भाव में जो जानते नार्को एनालिसिस टेस्ट से जो शरीर को अवचेतन अवस्था को निजाए से गोटे प्रश्नावली रही था गोटे साइको एनालिसिस रही था गोटे साइकोलोजी रही था डॉक्टर जड़े एक्सपर्ट रही था और से तांकर जो भाव जो दीनकृष्ण मिश्र पूर्वतन आईआईसी जो बयान रही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से दिन कौन घटना घटी से संपर्क में से कौन सूचना देउछंती आधार में मामला को गोटे निष्कर्ष आड़ को निपार आकाश बाबू जहाँ हेमंत आलोचना करुले विशेषकर जो तीन टे टेस्ट संपर्क में चर्चा करुचे गोटे पॉलीग्राफ टेस्ट गोटे नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग ये टेस्ट गुड़िकर निश्चय उद्देश्य रही प्रकृत में जड़े अभियुक्त सत कहते ना मिछ कहते से कथाटी को परखा जीव तेणु जो प्रक्रिया रही था टेस्टर से संपर्क में कियदंश हेमंत आलोचना करुले मुख्यतः उद्देश्य कौन रही था किभली भाव से किसी सफलता मिलता है आशा करा जीव।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କହିଲେ ବା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ବା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ବ୍ରେନ୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କହୁ, ଏ ତିନିଟା ଟେଷ୍ଟ ବେସିକାଲି ଆମର ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ବେସିକାଲି ଆମେ ଯୋଉ କଲ୍ପିଟ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ବା ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ କରିଥାଉ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ କେତେ ଦୂର ସତ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ତିନିଟା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ସେ ତିନିଟା ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ହଁ କିମ୍ବା ନାଁରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ହଁ କିମ୍ବା ନାଁରେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ କିଛିଟା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆପଣଙ୍କର ପାରାମିଟର୍ସ ଗୁଡାକ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପିରେଟରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ମେଜର କରିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ପକେଇଦେବ ଯେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାହବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟଟା ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ମଣିଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାହୁଏ ଏବଂ ପଲିଗ୍ରାଫ ଯୋଉ ହଉଛି ସେଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ହୋସ୍ ଥିବ ଆପଣ ପୁରା ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାହେଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ରିଲେଭେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମର ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହଉଥିବ, ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର ଦଉଥିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ୍ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ECG ଆଣ୍ଡ EEG ଦୁଇଟା ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରୁ ଏଇସବୁ ଡାଟା ଗୁଡାକ ରିକଭର କିମ୍ବା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗା ହେବ ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଥିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲେଭେଣ୍ଟ କିଛିଟା ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ, ଯେମିତିକି ଏଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ିତା ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡା ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ଥାନାର କିଛି ଫଟୋ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଡାକର ପାରାମିଟର୍ସକୁ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏଇଥିରେ ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ରେଡ୍, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍, ଏବଂ ସେଇ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଗୁଡାକ ମାନେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ ଯେ ସେ ଲୋକ ଜାଣିଛି ନା ଜାଣିନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ମାନେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେମିତି ହେମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କୋର୍ଟରେ ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଶଶ୍ରୀତ ଆକାଶ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ। ହେମନ୍ତ, ଯେମିତି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ କିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଉ ବା ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରା ଥାନାକୁ ସଫା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଧୁଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, ସେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣା, ଆଉ ଘଟଣାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନେଇଥିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନେବା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଘଟଣାକୁ ପୁରାପୁରି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ନାଁରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ସଫା କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ସବୁ ପୁରା ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କାରଣ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ଟାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାନଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଆଜି ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ
जो भाव कैप्टन सहित से अभोग रही पूरापूरी क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर दि जाए क्राइम सीन रु अर्थात प्रमाण सब नष्ट कर दि जाए जो भाव में पीड़ित अभोग कर दात को भांगा जाइए माड़ मर जा ब्लड पड़ा तेणु से ब्लड स्टेन बर्तमान किसी मिलना से भाव देखा से झड़ जिते टणा ओटरा समय किसी चुट्टी कथा कहतु बॉडी पार्ट पर किसी कि जिनस क्राइम सीन रही मैंने क्राइम सीन जब डिस्टर्ब करा जो क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जाइछि निश्चय पीड़िता कहते हैं ये तो या बोधे आज ना एक मंतव्य प्रकाश करेंगे जितेबले से क्राइम सीन को जो रेकर्ड कर 360 क्यमेर ताकू जितेबले पेश कर कोर्टे से पूरा स्पष्ट सूचना आसीज जे क्राइम सीन को माने क्राइम रे जो तथ्य रही क्राइम सीन रे ताकु नष्ट करने टैंपर करने चेष्टा कर प्रश्नटी जो आसूँ से कथा स्पष्टता आसीज निश्चित भाव में आज आम जो भाव में देखी मृणाल आउ गोटे जिनस मुझे कहवाक चाहिए किभली भाव में कमिशनरेट पुलिस हो बा क्राइम ब्रांच हो किभली यहाँ भुआ बुलाइवाक चेष्टा कर तदंत को बाटबण करने चेष्टा कर गत काली पीड़िता संध्या चारिटा बेले बंधु सहित हाजर को कहला क्राइम सीन रिक्रिएशन से प्राय तीन टा समय आसी सेठे पहुंची ना सेठे थे क्राइम ब्रांच अधिकारी ना सेठे थानार कौन अधिकारी से पचार बुझी क्राइम सीन आज हम ना तथ्य दे नाफल कि आज आम देखा पाइल पूरा आर्मी प्रोटेक्शन रे सेना ड्रेस रे आसी सेना अधिकारी जी बांधवी बंधु और पूरा रो सेना रो पूरा कमांडर सहित तो पूरा तांकर टीम आसला कारण से आलोचना करूँ सहित से पीड़िता और तांकर जो बंधु रही सेना अधिकारी से सुरक्षा प्रति से बेस सचेतन थे कारण से एवं भी फिल कर असुरक्षित कारण जो दुईज सिक्युरीटी को दि जाइए से नहीं नर्थात सेना पूरा यही घटना उपर नजर रखी आर जो फेलो जो सेना अधिकारी रही सुरक्षा जो भाव जो जो अधिकार जो न्याय पूरा सेना पछले ठिया हेमंत जो कथा पूर्व आलोचना करुले जहां विरोध में अभियोग अर्थात थाना विरोध में थाना अधिकारी विरोध में जो मैंने निलंबित होती विरोध में बड़ अभियोग रही अर्थात थाना भितर से कौन घटला भरतपुर थाना भितर से थाना वर्तमान मान जो मैंने दायित्व रही पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मचारी रही और सेठी संभावना रही जो तथ्य प्रमाण को टैंपर भी करती से संभावना संपर्क में निश्चय पूर्व चिंता कर आवश्यकता रही है क्राइमब्रांच निश्चय चिंता करता बोध हुए जो कथि आप आलोचना कर ग्रह शांति हो कौन पूजार्चनाई जदि धोई दिगला तालोले निश्चय कौटि ना कौटी उद्देश्य कौन थी से प्रश्नटी आस प्रश्नटी आसीपे गत काली जमी आम देखीचे जो कमिश्नर पुलिस माने रिजर्व पुलिस पड़िया रे क्यों माने से दिन ये घटना को नहीं जितेबाला जो दिन निलंबित करा जाइथिला थाना अधिकारी पूर्वतन थाना अधिकारी एवं जो कर्मचारी माने रही से दिन प्रतिक्रियाशील होते रिजर्व पुलिस पड़िया रे एकाठी होते अर्थात अनुशासन भंग करते एक कथाटे आम देखीचे और से लिस्ट कमिश्नर पुलिस चाहूला तेणु स्वाभाविक भाव से प्रश्न आसब जो मैंने प्रतिवाद करुले से दायित्व जो घटनास्थल रही सेठी सब किसी सुरक्षित रही तथ्य दृष्टिकोण देखा जाए ये प्रश्न स्वाभाविक भाव समस्त मन को आंदोलित कर निश्चित भाव जो भाव देखु ये घटनाटी है जो 21 तारीख दिन 4 6 पर्यंत सबू थाना रो अधिकारी जो एडिशनल डीसीपी एडिशनल डीसीपी केत जन एडीजी क्षमा करेंगे एसीपी केत जन थाना रो इंस्पेक्टर सेंट्री डीसीओ जी की थाना रो दायित्व रहती से माने समस्ते उपस्थित थे अर्थात कमिश्नर पुलिस रो सबू थाना मुकुला थिला तेणु निश्चित भाव में यह गोटे संवेदनशील प्रसंग कारण पुलिस गोटे यूनिफर्म विभाग यूनिफर्म ड्यूटी विभाग श्रृंखला विभाग तो यह विशृंखला किपरी कारण निलंबन आदेश देखते पुलिस डीजी देखते अर्थात यह पुलिस डीजी आदेश को चैलेंज करने भाई होती तेणु एथ नहीं क्वेश्चन मगा जाइए कमिश्नर पुलिस पक्ष रिजर्व को
रिजर्व इन्स्पेक्टर मगाई से मध्य गत काल 23 तारीख दिन से तथ्य रखा जाए तेज कौन कार्यानुष्ठान रही समस्त नजर अंपटे जदि देखा मृणाल जो पीड़िता भिजुआल को लगातार भाव गोटे योजनाबद्ध भाव में भाइराल कर पीड़िता भिजुआल को भाइराल कर भाइराल करने पचरे किए थे से भाव आईन मंत्री यार आईपी एड्रेस खोजा जाऊ तार इंटरनेट प्रोटोकॉल को खोजा जाऊ आईटी एड्रेस खोजा जाए पचरे जो माने रही विरुद्ध में कार्यानुष्ठान आवश्यकता रही तदंत आवश्यकता रही दिग रही केमी अनुधान से सबुठ बड़ टास्क वर्तमान क्राइमब्रांच हाथ में रही गोटे पटे थाना काले तथ्य प्रमाण नष्ट करा जाउछि कि जो प्रश्नटी आसुछि से कथाटी सत हेछि ना नाही ताको अनुध्यान करा जबार आवश्यकता रहिछि। पीड़िता जो सीन रिक्रिएशन कथा में देखुछे पीड़िता एवं तांको बंधु कैप्टेन से मध्य थिले केमिति से वर्णना करिछन्ति ताकु तन्न तन्न करी विभिन्न दिगरो जांच करी सेथिरु कोन निष्कर्ष बाहर करछि क्राइमब्रांच एवं जो कथाटी आईन मंत्री मध्य कहिछन्ति हमन आपन मध्य आलोचना करथिले जे किभलि भाबरे पीड़िताकर जो वीडियो रहिछि ताकु वायरल करा गला काहेकि वायरल करा गला ता पछर मोटिव कौन रही से दिगटी को अनुधान आवश्यकता रही है। सेपटे जो भि कमिश्नर पुलिस पक्षर जो माने रिजर्व पुलिस पड़िया रे एकाठी होते प्रतिवाद करने जड़े पूर्वतन थाना अधिकारी को कहीं निलंबन करागला मानने थाना अधिकारी को विरोध में कहीं एक्शन निगला से प्रसंग उत्थापन करते से कहीं डीजी जो निर्देश रही अवमानना करागला श्रृंखला कहीं भंग करागला से दिगटी को निश्चय अनुधान आवश्यकता रही। धन्यवाद हेमंत विस्तृत आलोचन आम सहित रही।